साइंस है, मैं नहीं जानता है। साथियों, मैंने बीच में एंट्री डेलिबरेटली मारी है क्योंकि 4 घंटे से प्रोग्राम चल रहा है, पिछले 15 दिन से, महीने से जो है हम लोग दिन रात इसके लिए इतना मेहनत और प्रयास करके, भाई लाखन सिंह यहाँ दिन रात पड़े हुए हैं, मैं देखता हूँ, और सुबह शाम हम मंथन कर रहे थे, और जिस विषय के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए, पूरे देश के लिए, समाज के लोग आज जो पीड़ित और भटके हुए लोग, परेशान लोग यहाँ आए हुए हैं, उस पर अभी तक कोई गहन चिंतन या गंभीर चर्चा या किसी ने अपनी बात नहीं रखी है। इसलिए मुझे थोड़ा दुख हो रहा था कि अब 1 घंटे बाद प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और समाज में कोई मैसेज नहीं गया है तो फिर तो हमारा प्रोग्राम विफल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बीच में आके कहा कि मुझे 10 मिनट का समय दिया जाए ताकि मैं इस चीज को लाइव पे ला के बात को किसी वस्तु को दोबारा साथ में रखना चाहता हूँ। विषय ये है कि इस देश में आज जो चारों तरफ से सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक पार्टी हो, व्यक्ति विशेष किसी संगठन का पदाधिकारी हो, या बड़े से बड़ा अपने आप को आर्थिक, सामाजिक या धार्मिक आंदोलनकारी हो, कोई भी आपके देश के अंदर बहुजन समाज को, इस देश के वंचित और शोषित समाज को वो दिशा और दशा नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण से हमारे देश में अपनी सत्ता प्राप्ति और अपने स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए, हासिल करने के लिए कोई ऐसा आंदोलन या ऐसी कोई मुहिम छेड़ सके। हमारे दिल में डर था, हजारों लोग काम कर रहे हैं, लाखों संगठन काम कर रहे हैं, हमारे लोगों ने पार्टियां बना दी हैं, पता नहीं कितने संगठन और राष्ट्रीय नेता पैदा हो गए हैं, लेकिन आपका भाई डॉक्टर देशनाथ ना तो राष्ट्रीय नेता है, ना राष्ट्रीय पदाधिकारी है, ना किसी पार्टी का ऐसे संगठन का मालिक है। फिर भी उसके बाद भी लाखन सिंह जैसे मेरा छोटा भाई है, इस देश में अगर हम एक बहुत बड़ी क्रांति आंदोलन के लिए देश के अंदर यहाँ एक रूपरेखा के लिए बैठे हैं, उसके ऊपर चर्चा करना हमारा पहला कर्तव्य बनता है। क्या है वो चीज? हमें आज भी एक ऐसा विकल्प तराशना है कि कोई भी आदमी किसी भी तरीके से अगर वो प्रिजिस्ट नहीं है, छोटी विचारधारा से, छोटी मानसिकता से, स्वार्थ से, अपने ही हित से अगर वो प्रेरित नहीं है और देश में, समाज में कोई आंदोलन या क्रांति वास्तव में चाहता है, जिसका पेट सिर्फ और सिर्फ या तो हमारा धर्म हो सकता है, या सामाजिक संगठन हो सकता है, या वैचारिक क्रांति हो सकती है, इन तीनों के माध्यम से, या तो धार्मिक हो सकता है, जिसके लिए मैंने बहुत दिन से अपने दिमाग में पहले से सोचा हुआ है कि आने वाले समय में राजनीति जो होगी वो सिर्फ धर्म पर आधारित होगी और इस देश में दुनिया की ताकत बहुत हमको दुनिया का स्वरूप होने से रोक नहीं सकता और धर्म से हम देश में राजनीति करेंगे, इसके लिए मैं आपके सामने दावा करता हूं कोई हमें रोक नहीं पाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में कोई देश में आज धार्मिक राजनीति या सामाजिक आंदोलन के लिए ईमानदारी से, त्याग और बलिदान से काम कर रहा है, बगैर स्वेच्छा से, बगैर स्वार्थ से काम कर रहा है? अगर वो आदमी या संगठन या राजनीतिक पार्टी कोई भी ऐसी विचारधारा या क्रांति आंदोलन के लिए तैयार है तो उसके लिए ये मंच है। ये मंच किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी या किसी समुदाय के लिए नहीं है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि देश में जो आंदोलन हो रहा है, जो भीमापुरे का घटना हुई है, सहारनपुर कांड, ऊना कांड हुआ है, तुलिना कांड, मिर्जपुर कांड हुआ है, हमारे बहन बेटे पर बलात्कार अत्याचार होता है, चिकित्सा रोजगार की यहाँ पे धज्जियां उड़ रही है, देश के अंदर समाजवाद और धर्म निरपेक्षता और देश के प्रजातंत्र को आज गला घोट दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जज आज खुल के बोलते हैं कि यहाँ पे न्याय नहीं है, पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी में यहाँ पे बिल्कुल एक दूसरे धांधली मच रही है, संविधान को धज्जियां उड़ाई जा रही है, दादा साहब के मिशन को, हमारे महापुरुषों के मिशन को, हमारे साहब कांशीराम के मिशन को आज गला घोट दिया गया है हमारे गुजरात नेताओं ने और पार्टी के चलाने वालों ने। मुझे कोई शर्म या डर नहीं है कि अगर वो पार्टी के अंदर बड़ा व्यक्ति न होता, बड़ी सोच होती, सभी समाज को साथ लेने की अगर उनके अंदर नियत और नीति होती, देश का सच्चा ही देश की भाई अगर कोई भी समाज में काम कर रहा है उसको आगे बढ़ा खींचने की उनकी अगर मनसा होती तो आज हमारे समाज की पार्टियों की ये दशा नहीं होती। ये हालत खराब हुई है तो उसके लिए वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो आज समाज के ठेकेदार बन गए हैं। आज हमें बहुत गहरा चिंतन करना है और चिंतन करके आज यहां से आश्वासन लेना है, एक निर्णय लेना है
राजनीति या ऐसा कोई सामाजिक माहौल तैयार कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ 5-7 स्टेट के लोग आए हैं कम से कम, यहाँ दिल्ली के पूरे दिल्ली से लोग आए हुए हैं, तो शायद हम इस देश में कुछ बड़ा काम कर पाएंगे। और हमारा एक उद्देश्य है, बता देना चाहता हूँ, अगले बहुत ही कम दिनों में कम से कम 1-2 लाख लोगों को लेके, आपने किसी ने शायद यहाँ पे विषय को नहीं पढ़ा होगा, किसी ने यहाँ 4 लाइन नहीं पढ़ी है कि हम लोगों ने एक आंदोलन करना है, दिल्ली में आंदोलन करने पर विशेष चर्चा हो रही है। क्या किसी ने बोला, क्या कहा किसी ने कि मैं अपना सम्मान, अपना पद, अपनी पार्टी छोड़ के समाज में आना चाहता हूं? किसी ने कहा मेरा योगदान ऐसे होगा? कोई किसी को परवाह नहीं है, हर आदमी अपने नोटिस करने में लगा हुआ है, बस मंच मिल जाए तो मैं ठोक दू, किसी की सुनना कौन क्या कह रहा है, ना मेरे को दाय की पाबंदी हो, ना मेरे पे कोई बोलने की आप पाबंदी हो, ऐसा नहीं होने वाला है। मैं ये बात करके बात को विराम दूंगा कि जो भी जाति यहाँ चाहता है, आना चाहे, बोलना चाहे, इस बात पर चर्चा करें कि आज के संगठन समय समाज संघ ST जो देश के अंदर एक ऐसा संगठन है जो धरातल पर आपके अधिकारों के लिए मरने कटने के लिए तैयार है, और तब तक देश के अंदर बराबर की लड़ाई लड़ने के लिए, मैं नहीं कह रहा आप वायलेंट हो जाएं, मैं नहीं कह रहा आप किसी चीज का विरोध अत्याचार करें, आप ऐसा पेपर उठाए, लेकिन जब अति हो जाती किसी चीज की, बाबा साहब ने भी कहा तो आपका अधिकार आपको कोई प्यार से ना दे तो उसके लिए छीनने का भी आपके अंदर हौसला होना चाहिए। तथागत ने भी कहा है जब एक्सट्रीम आपका पेशेंस खत्म हो जाए तो आपके अंदर उसको लेने की हिम्मत होनी चाहिए। तो आज वो समय आ गया है, आज वो समय आ गया है कि हमें विचारधारा में एक ऐसी सामाजिक सोच पे, एक ऐसे आंदोलन में, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो सत्ता के समाज के नाम पर हो, आइए एकजुट होकर ऐलान करते हैं और वास्तव में एक विश्वास पैदा करते हैं। इसमें लीडरशिप किसी की नहीं होगी, ना लाखन सिंह लीडर होगा, ना आपका भाई डॉक्टर देसा लीडर होगा, यहाँ हमें नेतृत्व नहीं चाहिए, हम समाज निर्माण के लिए लगे हुए हैं, देश में बदलाव के लिए लगे हुए हैं, दिन रात अपना नौकरी पैसा करके मिली, अपने बच्चों को अपने परिवार को छोड़कर दिन रात टाइम से ले घूमते हैं, टोपी पहनी है, सिर्फ घूम रहा है, इसलिए टोपी पहनी है, टोपी पहनने का शौक नहीं है हमारे को, ये सिर्फ घूम रहा है, क्योंकि दिमाग भी परेशानी है, आप लोगों को पढ़ाना भी है, जोड़ना भी है, सबके साथ चलना भी है, घर भी देखना है, बच्चे भी पालने हैं, एक आदमी कितना काम करेगा, आखिर दिमाग घूमेगा कि नहीं घूमेगा, लेकिन फिर भी हमने ये ठान लिया है हम जुटेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम बिकेंगे नहीं, ऐसा आंदोलन हमें यहाँ खड़ा करना है। साथियों, मैं यही कहकर बात को रखता हूँ, एक आंदोलन की तैयारी करिए, एक ऐसा विकल्प तैयार कीजिए, एक ऐसा माहौल तैयार कीजिए कि आइए दिल्ली हिला दें, आइए पूरा देश हिला दें, और बहुजन समाज के नाम पर, समय शासक के नाम पर, मूल्यवासी समाज के नाम पर और धर्म के नाम पर देश में क्रांति स्थापित कर दे। आपका भाई डॉक्टर देशराज तैयार है, अब आपकी बारी है, कितना आप कर सकते हैं, कितना हौसला और विश्वास है, कितना ईमानदार और त्याग है, कितनी भावना से आप बाबा साहब के मिशनरी हैं, कितना सच्चा आप बाबा साहब के सिपाही हैं। बातें कहने से, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं बदलने वाला है, त्याग बलिदान करना पड़ेगा, त्याग बलिदान की उम्मीद तो करते हैं, लेकिन त्याग बलिदान करने के लिए हम खुद प्रेरित नहीं होते हैं। मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत बात बड़ा बड़ा दे सकता हूँ, लेकिन मुद्दा यही था कि मैं अपनी बात को सिर्फ इतना ही कहूँ कि आंदोलन के लिए तैयार हो जाइए, समय आ गया है, अब नहीं तो कभी नहीं, बहुजन समाज का आंदोलन अब होना चाहिए, और इसके लिए हम हर पूर्व प्रयास करेंगे, सभी साथी हमारे साथ हैं। अगर आप लोग सिर्फ ये विश्वास दे दें कि दिल्ली में हम 5-10 हजार लोग इकट्ठा कर देंगे, देश भर से 50,000 लोग इकट्ठा कर देंगे, तो बहुत जल्दी हम दिल्ली में दिल्ली हिला के आंदोलन खड़ा कर देंगे, क्रांति का बीज बोलेंगे और सत्ता को हिला देंगे, प्रेशर ग्रुप के माध्यम से अपने सत्ता